नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। देश देशांतर में आप सभी देखेंगे देश विदेश की खबरें, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। पीएम ने किया चितरंजन कैंसर अस्पताल के दूसरे कैंपस का उद्घाटन। बंद नहीं होगा गंगा सागर मेला। जहां रुका था मोदी का काफिला, वहां से थोड़ी दूर पर मिली पाकिस्तानी नाव। मोदी का काफिला रोकने वाले किसानों ने कहा उन्हें नहीं थी पीएम के आने की जानकारी। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिनों का होम क्वारंटाइन अनिवार्य। मुंबई के 338 डॉक्टर कोरोना संक्रमित, गृह मंत्री के स्टाफ भी पॉजिटिव। शराब कारोबारी के घर पानी की टंकी में मिले 1 करोड़ रुपए। एम्स ने बताए ओमिक्रॉन के 5 खतरनाक लक्षण। आइए देख लेते हैं अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के लोगों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कोलकाता स्थित चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया है। बता दें कि यह परिसर 530 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जिसमें से लगभग 400 करोड़ रुपए केंद्र और बाकी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में दिया गया है। इस नए परिसर में 460 बिस्तरों वाला व्यापक कैंसर यूनिट है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस वर्चुअल उद्घाटन में सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हुई थी। इधर ममता बनर्जी ने दावा किया है कि पीएम मोदी जिस हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे हैं, उसके कैंपस का हम पहले ही उद्घाटन कर चुके हैं। मैं कहने चाहूंगी कि इसका उद्घाटन हम लोगों ने पहले ही कर दिया। कैसे कर दिया? जब कोविड हुआ था, जब हमको कोविड का सेंटर का जरूरत था, तब मैंने खुद एक दिन उधर में गया। राजाराट सेकेंड कैंपस चित्तरंजन हॉस्पिटल को मैंने देखा कि ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ जुड़ा है, और उधर में हम लोगों ने सीएम बना दिया था। ये हमको बहुत काम पे आया। प्रधानमंत्री को जानकारी के लिए खुश होगा कि इसमें 25% राशि हम लोग भी स्टेट से खर्चा कर रहे हैं। We are also funding 25% and also recurring खर्चा जो है ये साल का 71 crores, वो भी स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है। एक कैंपस करने के लिए 11 acres लैंड हम कैंसर हॉस्पिटल को दिया है। इसी के लिए कोई कोई काम में सेंट्रल स्टेट को एक साथ में काम करने पर, इसी के लिए जब पब्लिक का काम पे आए और पब्लिक को डेवलपमेंट के लिए आए। कोविड की मौजूदा परिस्थिति में भी गंगा सागर मेला बंद नहीं होगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद अंततः मेले के आयोजन की सशर्त अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव ने सप्ताह व्यापी मेला लगाने के लिए राज्य सरकार को पूरी तरह से शर्त मानने का निर्देश दिया है। उन्होंने शर्तों के पालन की निगरानी के लिए एक 3 सदस्य कमेटी भी बनाई है, जो बारीकी से नजर रख सके। कोर्ट ने कहा है कि यदि देखा गया कि शर्तें नहीं मानी जा रही हैं, तब अदालत मेला बंद करने का निर्देश देने से भी पीछे नहीं हटे। पंजाब में पीएम मोदी के काफिले को जहां रोका गया था, उससे महज 50 किलोमीटर की दूरी पर एक पाकिस्तानी नाव की बरामदगी ने खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। फिरोजपुर में सीमा सुरक्षा बल ने सतलज नदी से एक पाकिस्तानी नाव बरामद की है, जो खाली थी। पता लगाया जा रहा है कि यह नाव यहाँ कब आई, इसमें कौन से लोग सवार थे और इसे यहाँ लाए जाने का मकसद क्या था। दरअसल फिरोजपुर पाकिस्तान की सीमा से सटा होने की वजह से बेहद ही संवेदनशील जिला माना जाता है, जहाँ कई बार टिफिन बम, हैंड ग्रेनेड बम और विस्फोटक मिल चुके हैं। बीएसएफ की टीम आसपास के इलाकों को खंगालने में जुट गई है। यह पता लगाया जा रहा है कि कहीं कुछ लोग नाव में सवार होकर भारतीय सीमा में तो नहीं आए हैं। इस मसले पर गृह मंत्रालय की हाई लेवल टीम भी खोजबीन में लग गई है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने और उनकी जान को खतरे की बात पर सड़क जाम करने वाले किसानों ने कहा है कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि पीएम उस रास्ते गुजरेंगे। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोड ब्लॉक शुरू करने के बाद सूचित किया था। किसानों ने आगे कहा है कि उन्हें पुलिस पर विश्वास नहीं है। प्रधानमंत्री की जान पर खतरे की बात को किसानों ने मनगढ़ंत कहा है।
उनका दावा है कि पीएम की ओर से संकेत मिलते ही वे रास्ते से हट जाते क्योंकि उन्हें पंजाब पुलिस पर भरोसा नहीं था। केंद्र सरकार ने विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिनों का होम क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया है। ओमिक्रॉन के देश में मामले 3,000 को पार कर चुके हैं। ऐसे में देश में कोरोना के ताजे मामलों के बाद एट रिस्क कैटेगरी वाले देशों की संख्या 10 से बढ़कर 19 हो गई है। नए शामिल किए गए देशों में घाना, तंजानिया, कांगो, इथोपिया, कजाकिस्तान, केनिया, नाइजीरिया, ट्यूशिनिया और जाम्बिया शामिल हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोरोना की स्थिति गंभीर होती जा रही है। पिछले 4 दिनों में अलग अलग अस्पतालों के कुल 338 रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल के 4 स्टाफ सदस्य भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राज्य के गृह मंत्री कार्यालय ने कहा है कि मंत्री के आवास पर रहने वाले लोगों का सैंपल टेस्ट किया गया था, तब पता चला कि वो कोरोना संक्रमित हैं। वैसे बता दें कि पिछले 24 घंटे में अकेले मुंबई में संक्रमण के 20,181 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आयकर विभाग ने मध्य प्रदेश के दमोह जिले में व्यवसायी शंकर राय और उनके भाइयों के परिसरों पर छापेमारी में 8 करोड़ रुपए नगद, 3 किलोग्राम सोना और संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए हैं। 50 वाहनों में करीब 100 आयकर अधिकारियों ने राय बंधुओं के यहाँ छापा मारा था। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। आयकर विभाग जबलपुर क्षेत्र की संयुक्त आयुक्त मुनमुन शर्मा ने बताया है कि गुरुवार तड़के शुरू हुई छापेमारी अभी भी जारी है। अब तक 8 करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए हैं। इनमें से 1 करोड़ रुपए पानी के एक कंटेनर में छिपा कर रखे गए थे। इसके अलावा 3 किलोग्राम वजन का सोना भी बरामद किया गया है। तलाशी के दौरान मिले कागजात से पता चलता है कि राय को शराब की दुकानों का ठेका मिला था और वह अपने कर्मचारियों के नाम से लग्जरी बस चला रहा था। भारत में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,17,100 नए केस सामने आए हैं। वही कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी अब डरा रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक देश में 3,700 केस सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के लक्षण के बारे में हेल्थ एक्सपर्ट का दावा है कि इसमें खांसी, थकान, कफ और नाक बहना मुख्य लक्षण है। ऐसे में एम्स ने भी ओमिक्रॉन के 5 लक्षणों को सूचीबद्ध करते हुए इन्हें अनदेखा ना करने की चेतावनी दी है। इन लक्षणों में शामिल हैं सांस लेने में कठिनाई, ऑक्सीजन सेचुरेशन में गिरावट, सीने में लगातार दर्द या दबाव तथा मेंटल कंफ्यूजन जैसे लक्षण 3-4 दिन से ज्यादा रहें या बिगड़ते जाएं, अथवा अचानक त्वचा, होंठ या नाखून का रंग बदल रहा हो तो भी अलर्ट हो जाने की जरूरत है। आज के लिए देश देशांतर में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।